सो फ्रेंड्स अभी हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ प्योर एनर्जी सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ प्योर एनर्जी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जनरल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी पेशेंट हमारे पास ओपीडी में एंटर करता है, ठीक है, जब भी पेशेंट हमारे पास ओपीडी में एंटर करता है सबसे पहले हम लोग उनको उसको जनरल अपीयरेंस देखना रहता है पेशेंट का। ठीक है, जनरल अपीयरेंस में पेशेंट का इतनी फेशियल एक्सप्रेशन है क्या, एनी फेशियल स्वेलिंग वगैरह है क्या, एनी पेशेंट में जो पैलर दिख रहा है या फिर पेशेंट एनी येलो डिसकलरेशन दिख रहा है क्या, एनी पेशेंट को एनी साइन इंडिकेट कर रहा है, समझो पेशेंट को समझो ब्रेथलेसनेस वगैरह है क्या, पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, पेशेंट एकदम डिक्यूबिटस वगैरह, पेशेंट न्यूट्रिशन स्टेटस में पेशेंट को समझो थिन है या टॉल मतलब हेल्दी है, ये सब चीज़ें हमें जनरल अपीयरेंस में देखना रहता है अपने पेशेंट में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जनरल अपीयरेंस में जनरल एग्जामिनेशन सबसे पहले फेशियल एग्जामिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आने की वजह से वहाँ पे क्या होता है यूरिन थ्रू जो प्रोटीन होता है यूरिन थ्रू प्रोटीन हमारे एक्सेस क्वांटिटी में लॉस हो जाता है। ठीक है, यूरिन थ्रू एक्सेस क्वांटिटी में प्रोटीन लॉस होने की वजह से हमारे ब्लड में क्या होता है हाइपोप्रोटीनेमिया वगैरह रहता है। ठीक है, हाइपोप्रोटीनेमिया रहता है तो वहाँ हमारे बॉडी में कैसा स्वेलिंग दिखाई देने रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देती है या फिर कई बार क्या होता है यूरिनरी फेलियर की वजह से हमारे बॉडी में से जो फ्लूइड होता है फ्लूइड हमारे बॉडी में से यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है, इसलिए ऑल ओवर बॉडी में क्या होता है यूरिनरी जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इसलिए पेशेंट में क्या होता है कई बार फेशियल स्वेलिंग होती है या फिर पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह दिखाई देती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोटीन एक्सेस क्वांटिटी में लॉस होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है हाइपोप्रोटीनेमिया डेवलप होता है, और हाइपोप्रोटीनेमिया डेवलप होने के बाद वहाँ पे सबसे पहले स्वेलिंग क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह है वहाँ पे फ्रेंड्स एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोटीन लॉस होता है तो क्या वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह दिखाई देती है। फ्रेंड्स सबसे पहले जो स्वेलिंग होती है वो पेरिऑर्बिटल रीजन में स्वेलिंग होती है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं ना यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं इसलिए वहाँ पे क्या होता है सबसे पहले बॉडी में स्वेलिंग होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह केसेस में सबसे पहले स्वेलिंग क्या होता है ऑर्बिटल रीजन में स्वेलिंग होती है, बाद में धीरे धीरे पेटिंग एडिमा वगैरह मतलब पैरों पे स्वेलिंग वगैरह होने लगती है। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फेशियल एक्सप्रेशन में फेशियल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग उनको यहाँ पे समझो यानी ऑर्बिटल स्वेलिंग वगैरह है क्या ये सब चीज़ें देखना रहता है या फिर पफिनेस ऑफ माउथ वगैरह है क्या ये सब चीज़ें फेशियल एग्जामिनेशन में देखना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फेशियल एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें स्वेलिंग वगैरह देखने के बाद में हमें एडिमा वगैरह कहाँ पे बॉडी में ऑल ओवर एडिमा वगैरह है क्या या फिर फिट पे एडिमा है ये सब स्वेलिंग वगैरह कहाँ पे ये सब चीज़ें देखने रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एडिनल पैरेंकाइमल डिसीजेस में जैसे हमने देखा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स एक्सेस क्वांटिटी में प्रोटीन लॉस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इन एडिनल पैरेंकाइमल डिसीजेस देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द किडनी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिमा, इसलिए वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटीन हमारे बॉडी में से लॉस हो जाते हैं और हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होते हैं ऑल ओवर बॉडी में हमारे स्वेलिंग आ जाते हैं। स्वेलिंग में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्वेलिंग कई बार क्या होते हैं हमारे पिटिंग ऑर्बिटल स्वेलिंग रहती है या फिर पिटिंग एडिमा रहता है या फिर क्या होता है ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग रहती है उसको हम लोग एनएसआर का भी कहते हैं। ये जो स्वेलिंग वगैरह है कि ये सब चीज़ें हमें एडिमा वगैरह देखने रहता है। ठीक है, जैसे रिनल रिलेटेड डिजीजेस में जनरली पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये सब एडिमा वगैरह हमें चेक करना रहता है। बाद में पेशेंट समझो न्यूट्रिशन स्टेटस वगैरह देखना है, न्यूट्रिशन स्टेटस में जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पेशेंट को ऐसे कंडीशन जैसे थिन है या टॉल है थिन है या हेल्दी है ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे न्यूट्रिशन स्टेटस वगैरह पेशेंट को ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में सबसे मेन आता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले एनीमिया वगैरह है क्या मतलब पेशेंट पैलर वगैरह देख रहा है ये क्या ये सब चीज़ें देखना रहता है। ठीक है, इनके पेशेंट पैलर वगैरह है क्या ये सब केसेस में देखा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में समझो क्या होता है एनीमिया दिखाई देता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में डिफेक्ट आने की वजह से कई बार क्या होता है क्रोनिक रिनल डिजीज वगैरह में एनीमिया दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये एनीमिया क्यों दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो हमारे किडनीज में जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है ना हमारे किडनीज में जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है वो क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूरेथ्रोपोएटिक सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, ये सब क्या जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं सब एंडोक्राइन फंक्शन में काम करता है किडनी हमारा। ठीक है, सब एंडोक्राइन फंक्शन में काम करता है वो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं किडनी के ये इरेथ्रोपोएटिक नाम के हार्मोन सीक्रेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है,